नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो यानी कि मैं सीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताएंगे कि ऐसे आप यहाँ पर अभी सीआईडी बनवा रखे हैं तो आपको पता नहीं है अभी सीआईडी बनी है कि नहीं बनी है, आप कैसे चेक करेंगे यहाँ पर, उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, उसका रिकॉर्ड कैसे देखेंगे, पॉइंट क्या है हमारा, कितना पॉइंट बना है आप खुद से ही देख सकेंगे, और आप यहाँ पर नया किसी कैसे बना सकते हैं उसका भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे ऑनलाइन अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताते हैं, ये देखिए इस तरह का वेबसाइट आ जाएगी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस वेबसाइट का होगा। यहाँ पर देखिए, लॉगिन टू मेरी पहचान, इस तरह का इंटरफेस होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तीन ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन डिजी लॉकर पर ज़्यादातर लोगों की आईडी बन रखी है, तो यहाँ पर डिजी लॉकर वाले पे क्लिक कर देते हैं, डिजी लॉकर वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके यहाँ बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, आधार नंबर, जिससे भी आप आईडी बना रखे हो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर एम पिन अपना डाल देंगे, एम पिन डाल देंगे। उसके यहाँ पर बाद यहाँ पर टिक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और साइन इन कर देंगे। यहाँ पर देखिए, टिक बॉक्स पे क्लिक साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर देखिए, आप यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर देखिए इस मोबाइल से दो अकाउंट बने हुए हैं, तो आपको देखिए आपका अकाउंट कौन सा है आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर तो हमारा ये अकाउंट है, हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एम पिन डाल लेना, आपको एम पिन डाल लेंगे हम, ये देखिए एम पिन डालने के बाद दोस्तों लास्ट तक देखिएगा वीडियो को पूरा, आपको बढ़िया से नॉलेज आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम बढ़िया से आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए साइन इन कर देंगे, उसके बाद ये देखिए साइन इन करने के बाद देखिए आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी गई है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ये देखिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गई है, ये ओटीपी हम आपको फिल यहाँ पर कर देंगे, हम आपको भी ऐसे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर खुद से आप देख सकते हैं आपका एबीसी आईडी में कितना पॉइंट है, कितना रिकॉर्ड है, आप खुद से चेक कर पाएंगे, और आपका यहाँ पर पूरा बना हुआ आपका है, आपका पूरा यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर एबीसी आईडी नंबर भी दिखा देगा। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह की वेबसाइट आपको खुल गई, यहाँ पर देखिए मोबाइल से बता रहा हूँ, इस तरह की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर देखिए, अगर इसको डेस्कटॉप पर आप कर लीजिए, मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पर आप कर लेंगे। ये देखिए डेस्कटॉप को एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए अभी हमारा यहाँ पर एबीसी आईडी अभी आपको शो कर देगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस वाले एक्सिस नाव पे क्लिक कर देना है आपको, एक्सिस नाव पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपकी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए आपका एबीसी आईडी नंबर यहाँ पर शो कर दिया यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए आपका नाम भी शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट है, ये देखिए टोटल एकेडमिक पॉइंट, यहाँ पर देखिए जो भी पॉइंट आपका जुड़ेगा ये यहाँ पर आपको शो करेगा। यहाँ पर देखिए जीरो, हमारा कुछ पॉइंट नहीं है, ये तो आपको वीडियो बनाने के लिए हम आपको समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो हमारा पॉइंट है, आपका अगर पॉइंट रहेगा यहाँ पर शो कर देगा, और अगर आपने ए बी सी आई डी को एन ई डी आई डी से लिंक नहीं किया तो हमारी वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई बटन पे भी आप देख लेंगे और उसे लिंक कर देंगे, आप खुद ही रिकॉर्ड अपलोड कर सकते हैं अपने ए बी सी आई डी में, एग्जाम सर्टिफिकेट जो भी है आप सारी चीज़ें अपलोड करके उसमें रख सकते हैं, और ऑनलाइन कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप देख लीजिए ज़रूर दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर पता लग गया कि ए बी सी आई डी नंबर ही है, आपका नाम आ गया। यहाँ पर देखिए अगर ए बी सी आई डी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन दिए रखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपको वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको वेबसाइट पर लेके जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको वेबसाइट पर ले गया। वेबसाइट पर ले जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए अगर आपने बनाया नहीं है, यहाँ पर देखिए एबीसी और एनईडी आईडी, ये देखिए दोनों को लिंक किया जा रहा है। एनईडी आईडी में सारा डाटा आपको रिकॉर्ड वहाँ पर अपलोड किया जाता है दोस्तों, उसी में आपको एग्जामिनेशन सारी चीज़ें आपको उसी में शो करके दिखाएगी। नया बनाने के लिए आप रजिस्टर नाव पर क्लिक कर देंगे, रजिस्टर नाव पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर अपना स्टूडेंट चुन लेंगे आप, और उसके बाद यहाँ पर देखिए वो डिजी लॉकर अकाउंट, इसको आप ओके कर देंगे इस पर।
ये देखिए ओके होने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपका। ये देखिए डिजी लॉकर भी उस वेबसाइट से यहाँ पर डायरेक्ट इस वेबसाइट इसको देखिए साइन इन कर देंगे आप। ये देखिए साइन इन करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे आप अपना। ये देखिए मोबाइल नंबर डालेंगे बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए उसे इंटरफेस आपको आ जाएगा, लेकिन ये इस वेबसाइट का था। इस वेबसाइट पे डिजी लॉकर को सारी चीज़ों से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप अपना यहाँ पर 6 अंक का पिन डाल देंगे यहाँ पर, उसके बाद देखिए साइन इन कर देंगे। देखिए साइन इन कर देंगे, ये थोड़ा सा वेट लेगा। यहाँ पर देखिए OTP आ गई, वो OTP आप फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों आपको बता दिया हूँ दोस्तों कैसे आप करेंगे। यहाँ पर देखिए वो सबमिट कर देंगे, ये आपका डिजी लॉकर में ये देखिए लॉगिन हो गया। डायरेक्ट वहाँ से आप बना भी सकते हैं और डायरेक्ट अपना देख भी सकते हैं आपका पॉइंट कितना हुआ। ये देखिए इस तरह का यहाँ पर लॉगिन हो गया। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा यहाँ पर, प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ABC इतना लिखेंगे, ये देखिए अब अपने ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर देगा। ये देखिए ABC यहाँ पर शो कर दिया। यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर देंगे हम, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आप जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम जो आएगा, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आप कुछ भी यहाँ पर जो भी आपका है वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब में तो आपको बता समझा रहा हूँ, यहाँ पर कॉलेज में चूज़ कर लिया। अगर आपका कॉलेज का नाम अगर इसमें नहीं है, कॉलेज का नाम अगर नहीं आ रहा है तो आप यूनिवर्सिटी वाले में देख लेंगे। अगर यूनिवर्सिटी वाले में आपका नहीं शो कर रहा तब कॉलेज वाले में, दोनों में से आप चेक करके देख लेंगे आपका नाम उसमें दोनों में से किसी एक में होगा, आप ज़रूर देख लेंगे। इस तरह से मेरे पास कमेंट आ रहे थे तो आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ओके कर दिया और यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ABC ID हमारी यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में शो कर दी। यहाँ पर देखिए ऊपर में हमारी ABC ID यहाँ पर देखिए शो कर दी। अब देखिए यहाँ पर 3 डॉट आप दे रखा है, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आप डिलीट भी कर सकते हैं और इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए PDF हमारा डाउनलोड हो गया यहाँ पर। ये देखिए हमारा PDF डाउनलोड हो गया। इस तरह से आप यहाँ पर अपना सब चीज़ आप यहाँ पर देखिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं और कैसे आप पॉइंट देख सकते हैं। आई होप हमारे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, मैं चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे ऑनलाइन अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, फिर ओके बाय।